हेलो दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को बताया कि अगली ब्लॉग मैं पूजा करूंगी अगली ब्लॉग में, तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे सरस्वती माता जी है और उधर बजरंग बली जी हैं। आज मैं आंगन में पूजा कर रही हूँ। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मैं पूजा करने के बाद आप सभी लोग से मिलती हूँ। अच्छा, टीका कब लगाते हैं? लगाते हैं अभी, लगा दें भेग ले होता। आगे प्रणाम कर जाए, गोर लगी इन्हें, गोर लगी गंदे। तो अब गोर लगो तो प्रणाम करो, तो बैठ के बैठ बैठ बैठो, तो बैठो बैठो बैठो, भगवान जी प्रसाद ही दे। गोर लगी, गोर लगी, गोर लगी, प्रणाम करो, प्रणाम, गोर लगी, गोर लगी, गोर लगी। तो फाइनली फ्रेंड, मेरा पूजा समाप्त हो चुका है। और देखिए, यहाँ पे पूजा करी थी मैं, और ये रहा हमारे हाथों में प्रसाद, ये लीजिए, आप लोग खा लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ ऐसे। तो फाइनली फ्रेंड, मेरा टोटल वीडियो सब कुछ क्लिक हो चुका है, फोटो पूजा पाठ भी हो चुका है, मैं खाना पीना खा ली हूँ और अब आई हूँ, थोड़ा बहुत रील्स बनाऊँगी, देखती हूँ कितना बन पाता है। और मेरी बेटी तो आज बहुत ही ज़्यादा परेशान करी, बहुत ही ज़्यादा। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सभी लोग से। तो फाइनली फ्रेंड, आज मैं खुद से ही लिपसिंग खड़ी हूँ, कोई मेरा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आज पता है क्या है, आज मंगलवार है। मंगलवार को मैं मतलब मानी थी ना, बेटी का तबीयत खराब हो गया था तो मैं मानी थी, तो वही सब पूजा करी हूँ। और कल मेरी मम्मी भी पूजा करेगी, पता है क्या है, कल घर के जो देवता होते हैं ना उनका पूजा है, तो इसलिए मम्मी काम कर रही है। और आज हड़बड़ी में सही से नहीं वीडियो बना पाए, ना ही फ़ोटो, तो कैसे भी करके मेन फ़ोटो है तो फ़ोटो कैसे भी करके क्लिक कर लिए हैं, बाकी बाद वीडियो सही से नहीं ढंग का बन पाया है। और खाना खा ली हूँ ना, मतलब अचानक से भूखे भूखे रहते हैं, मतलब खाली पेट रहेगा और अचानक से फिर खाना खाते हैं तो पेट दर्द नहीं करने लगता, वैसे ही मेरा दर्द कर रहा है। और मेरी बेटी इतना परेशान कर रही है ना, क्या ही बताऊँ, आज ना ही कार्टून देख रही है, ना ही ढंग से खेल रही है, इसको अभी नहाना है। तो मेरा अब टोटल वीडियो सब कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ, इसको नहाऊँगी, फिर ये खुद सो जाएगी तो मुझे थोड़ा चैन मिलेगा, क्योंकि मेरा सांस फूल रहा है, पता नहीं कहाँ है।
सच कहूँ तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हो गई है, पता नहीं कहाँ से ये सब उठ उठ के आते रहता है, मुझे लगते रहता है ये सब की बीमारी। थोड़े दिन मोटी क्या हो गई, फिर से चर्बी घटने लगी, मतलब थोड़ा सा फूलो फिर मोटा हो। और जब मैं, पता है जब मैं पतली थी, मतलब जब मैं कुंवारी थी ना, तो मैं ना भगवान जी से मनाती थी, हे भगवान मेरा ना बॉडी एकदम पतला हो जाए ना, तो मैं ना मतलब क्या क्या मांग भी लेती थी। लेकिन अब तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा फूली फूली रहूँ तो ठीक है, तब अच्छा फील होता है। बाकी मैं सूखी रहती हूँ तो लगता है कि देह में दम ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सभी लोग से, है ना, ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड आज मेरी बेटी का देख लीजिए हुलिया, इसका हुलिया देख लीजिए, ये लड़की नहीं है लड़का लग रही है, और इतना बदमाशी कर रही है ना आज, पता नहीं कहाँ से इतना शैतानी करना सीख लिया। देख सकते हैं ये सारा, पता है ये राजमा जो है ना, जितना आप देख रहे हैं ये सारा राजमा पता है किस पे था, वहाँ पे एक प्लास्टिक दिख रहा है उसको मैं लाने जा रही हूँ, इस पे मम्मी डाल करके इसको बोली थी खेलने के लिए, ठीक है, बट खेली नहीं वो। देखिए इसको यहाँ पे लाके पटक करके, और यहाँ पे देखिए क्या करिए, मिट्टी के साथ कैसे खेलिए, बहुत बदमाश हो गई है बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं जा रही हूँ, वैसे अब अच्छा फील हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ जल्दी से बेटी को पहले नहा दूँगी, फिर वो सो जाएगी, तो जो काम है वो मैं करती रहूँगी, है ना। कन्ने के लोगे देखिए अब फिर पीछे भाग गई, बहुत बदमाश है बहुत ही ज़्यादा। तो फाइनली फ्रेंड मेरी बेटी अब जाके सो गई, उसको नहा धुला करके सुला दी, और अब मैं जा रही हूँ, मम्मी जो काम कर रही है कुछ कुछ हेल्प कर दे रही हूँ, दिमाग ख़राब हो गया आज। बस ऐसे ही आप लोग बने रही है ना।